सर काटने होंगे, एक जजीरा छुप सा गया, एक जजीरा रुक सा गया, थम सा पता नहीं चलता क्या कहाँ है सिमी, किधर है सिमी? याला ये तो समझ में नहीं आ रहा, अरे कहाँ चली गई है वो? मुझे बताओ ना, खैरियत से है ना वो? वैसे भी आज तो तुम कयामत लग रही हो मेरी जान। ये क्या कर रहे हो? अब मुझे डर लग रहा है, मुझे घर जाना है। अरे हाय हाय, ये क्या कर दिया? ये तो बच्चे बुनी हो गई बहुत, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, ये तो बहुत बुरा हुआ। भाई ये क्या कर दिया तूने? लड़की की वालदा नहीं आई क्या? बेटी को रुखसत करके तमाम फराइज से सुबहजोश हो गई? नहीं नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको शायद पता नहीं कि उनकी छोटी बेटी के साथ हादसा हो गया है। राशिद, ओ राशिद, गजब खुदा का आधा दिन गुजर गया, कब तेरी सुबह होगी? आ जाए अम्मी, शोर क्यों डाल रही है? इस्लामी कमांडी, मैं कहती हूँ कब तक कैसे चलेगा है? जमाने से अनोखी तेरी शादी हुई है या कोई आसमान से हूर उतर के आ गई है जो तू अपनी औकात में नहीं आ रहा? अम्मा वो रात से सर में दर्द है ना, इसलिए। अच्छा, रात रात भर फिल्में देखी जा रही हैं, हैं? मेरे साथ अगर ये ड्रामे तूने किए ना तो कान से पकड़ के ऐसे जूते लगाऊंगी ना कि याद रखेगा तू। अम्मी आपको पता तो है यही चंद दिन है, उसके बाद वही रूटीन शुरू हो जाएगी। उठ जा कमबख्त, उठ जा, नानी को बुखार आ रहा है, डॉक्टर के पास लेके जाना है उन्हें। पहले कब मैं डॉक्टर के पास ले गया उन्हें, जो अब ले जाऊं? मैं जो कह रही हूँ ना उस पर चुपचाप अमल कर, वरना। अच्छा वो गाड़ी की चाबी। हाय 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 हाय, मैं सदके जाऊं। हे क्या फैलता जा रहा है तू? गाड़ी की चाबी तो तू ऐसे मांग रहा है जैसे पहले हमेशा तू हर जगह गाड़ी पे ही गया। उठ जा फौरन, औकात में आ जा अपनी, समझा? और तू श्री देवी, तू क्या सुबह सुबह ये लेपा पोती करके बैठ जाती है, हैं? कमरे से बाहर भी कोई दुनिया बसती है, लोग हैं वहां, कमरे से बाहर भी निकल के झांक के देख लिया करो। रात से मेरी माँ बुखार में थूक रही है, बंदा दो घड़ी उनके पास ही बैठ जाता है, दबा देता है, कोई खिदमत कर देता है, कोई हालचाल ही पूछ लेता है। उठ जा, सौदा भी लेके आना है सारा। श्री देवी और जतेंद्र, ये तुम्हारी अम्मी हर वक्त मुझ पर बिगड़ती क्यों रहती हैं? ठीक ही तो कह रही हैं, तुम सारा दिन कमरे में गुजार देती हो। तो आप भी तो सारा दिन इसी कमरे में गुजार देते हैं ना, आप मुझे बाहर जाने ही कब देते हैं? तुम औरत हो, ऐसे मामलात की नजाकत को तुम्हें ही समझना चाहिए। जाओ मेरे लिए नाश्ता लेके आओ। जी लाती हूँ। वो राशिद, वो मैं ना सोच रही थी कि आज हम लोग अम्मी के घर चले जाएं और शाम तक वापस आ जाएंगे। पहले नानी को दवाएं तो ला दूं, अगर मूड बन गया तो फिर चले चलेंगे। मूड बनाना पड़ेगा मेरी खातिर। ओ बड़ी चालाक हो, अपनी बात मनवा ही लेती हो। वैसे भी मैंने सीधी साधी औरतें देखी हैं, अम्मी नानी और सिदरा जैसी। अच्छा तो ये
सीधी साधी औरतें। एक बात मैं समझा देता हूँ, मेरे घर वालों के बारे में कुछ मत कहना, इस मामले में बड़ा मैं पक्का हूँ। तो मैं क्या आपके अपनों में शामिल नहीं हूँ? भाई जुमा जुमा 8 दिन हुए हमारी शादी को, ऐसे कैसे उनके बराबर खड़ा कर दूं तुम्हें? हैं? खून के रिश्ते तो खून के रिश्ते होते हैं ना, 1000 मौसम बदल जाएं, ये रिश्ते नहीं बदलते, समझी? भाभी ने हुमा को खूब जेज दिया है। जी अम्मी, मैं भी हैरान हूँ, लगता है मामू खासा पैसा छोड़ के गए। मैंने तो बहुत खरीदने की कोशिश की, लेकिन तुझे तो पता है ना भाभी का कितनी पक्की है, पल्ला नहीं पकड़ने दिया। लेकिन मैंने सुना है कि सादिया को बड़ी अच्छी नौकरी मिल गई है, ठीक ठाक तनख्वाह ले रही है वो। सफूरा ने मेरे सामने सादिया के रिश्ते की बात की तो भाभी कहने की 3-4 साल तक तो मैं सादिया की शादी का सोच भी नहीं सकती। अच्छा, बड़ी खुदगर्ज हो रही है। लो, इसमें खुदगर्जी की कौन सी बात है? अपना दिल मार के जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनकी कमाई पे 3-4 साल भी अपना नहीं जिता सकते। दरअसल मैंने सोचा आप ऐसा ही सोच रही होंगी, इसीलिए कह दिया। अच्छा चल छोड़, हुमा का जहेज देख के मेरा तो सीमी से शादी करने का पक्का इरादा हो गया। वैसे ही जहेज लूंगी जैसे उन्होंने हुमा को दिए। जैसे आपकी मर्जी। देख कैसा बीबा बन रहे, जैसे तेरे दिल की बात जानती नहीं मैं। चल अच्छा ही हुआ जो हमने हुमा से रिश्ता नहीं किया, बड़ी तेज मिजाज और नखरीली है। मुझे तो सीमी बड़ी अच्छी लगी, बिल्कुल सीधी सादी सी, मुझे ऐसी ही बहू चाहिए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम मोमानी जी, कैसी हैं आप और सीमी कैसी है? जी जी जी, बस अभी आप ही का जिक्र हो रहा था, अम्मी काफी फिक्रमंद थी। ला मुझे दे मैं जी, अम्मी से बात कीजिए। हेलो जी भाभी, कैसी हैं आप और मेरी सीमी कैसी है? अच्छा लो भाई, आप तो हथेली पे सरसों जमाती हैं। हाँ ये तो है, हुमा के ससुराल वाले हैं तो तेज मिजाज, खर्चा तो काफी करना पड़ेगा। हाँ हाँ आप फिक्र ना करें, मैं और अकील निकल रहे हैं अभी, काम में आपका हाथ बटाऊंगी ना आकर। ठीक कह रहे हैं आप, बेचारी सादिया क्या क्या करती रहेगी, और ये अकील भी बिलाल के साथ जाके हाथ बटा लेगा, सौदा सल्फ ले आएगा। अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफिज़। चल बेटा तैयारी पकड़, भाभी ने हुमा के ससुराल वालों को खाने पे बुलाया है, हमें भी दावत दी है। देख जरा कैसे खुश हो रहे हैं। अम्मी हमें ऐसे नहीं बुलाया जा रहा, इसके पीछे यकीनन कोई मकसद है। कह तो बेटा तो ठीक ही रहा है। लो भाई राशिद, तुम्हारे ससुराल से खाने की दावत तो आ गई। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि जिस तरह का खाना उस घर में बनता है ना, हमारे लिए तो 2 दिवाले खाना भी बहुत मुश्किल होगा। भाई मैं तो सोच रही हूँ कि ना ही जाऊं, घर पर ही रह जाती हूँ। भाभी अगर आपको एतराज ना हो तो। नहीं नहीं, कोई एतराज वाली बात थोड़ी है और कोई जबरदस्ती भी नहीं है। मैं तो जाऊंगी। भाई आप लोग खुद ही डिसाइड कर लो। चलो भाई बस ठीक है, फिर सब लोग तैयारी पकड़ो, और सिद्रा खास तौर पे तुम, तेरी तैयारी से तो मैं बड़ी तंग हूँ। और तू हेलो उठ वहां से, उठ, गोद में बैठेगा क्या? ओ चल उठना, सुन नहीं रहा, बहरा हो गया इधर मत, उठ। हाँ गोद माँ की होती है, बीवी की नहीं। चल इधर आके बैठ, आजकल उल्टा ही हिसाब है, बैठ जाए इधर। और अच्छा बच्चा बन के जाएगी ससुराल, समझ आई? और सलाम करी जाके सबको। उफ अल्लाह बहुत गर्मी है। वैसे आप लोग एक किस्तों पे एसी लेकर ही लगवा लें। वो जिया इस साल बिल्कुल इरादा है कि हम एसी लगवा लेंगे। खाना तो जरा भी अच्छा नहीं था और मीठा तो था ही नहीं।
भाई मैं आ सकता हूँ? Yes, come. वो भाई आपसे कुछ बात करनी थी, अगर आप बुरा ना मनाए तो. चलो शुक्र है, शादी के बाद कुछ मेहनत तो आ गए तुम. कहो, सुन रहा हूँ. माँ के घर वालों ने दावत की आज, मुझे गाड़ी की चाबी चाहिए थी. वो दरअसल ससुराल पहली बार जा रहा हूँ तो इसलिए. भाईजान, अगर आपका फोन थोड़ी देर के लिए मिल जाता तो. दरअसल ससुराली नजाकतों को तो आप नहीं समझ सकते ना. सिम में अपनी लगा दूंगा, थोड़ी देर के लिए आप मेरा फोन रख लें. अपना फोन अपने पास रखो, सिर्फ सिम चेंज कर देना. थैंक यू वेरी मच, सच्ची दिल से कह रहा हूँ मैं भाई. अपने ये डायलॉग अपनी बीवी के लिए बचा के रखो. और हाँ, अगर तुम्हारी बात मुकम्मल हो गई हो तो तुम जा सकते हो, मुझे जरूरी काम करना है. ठीक, मैं आपको सिम वापस करता हूँ. क्या बात है भाई, आज तो बड़े खुश लग रहे हैं आप. जल्दी से तैयार हो जाओ भाई, आज तो घूमने फिरने का भी मूड बन रहा है. ये देखो गाड़ी की चाबी. राशन, आखिर ये चक्कर क्या है? आप दोनों भाई हैं, लेकिन गाड़ी उनके इस्तेमाल में और आपके इस्तेमाल में है वो फर्नीचर सी बाइक. इस पूरे घर में सबसे आलीशान कमरा उनकी मिल्कियत है, और तो और नौकर चाकर भी सब उन्हीं के इर्द गिर्द घूमते हैं. आपकी अम्मी जान वो भी उनसे बहुत ही अदब से मुखातिब होती हैं. लंबी ट्रेजेडी है, फिर कभी सुना दूंगा. अरे ये सेट, ये नया है. तुम जल्दी से तैयार हो जाओ भाई, ऐसा ना हो हम लेट हो जाएं. राशिद, राशिद, सुन रहा है या कानों में तेल डाल रखा है? फो अम्मी जी. मैं सच पूछो ना, मुझे तो उमा की सास एक आंख नहीं अच्छी लगी. कहती है कि मैं जब भी पूछती अमीर हूँ, मुझे तो नौ दौलत ये लगती है. हाँ, अगर उस खानदान में कोई बावकार और खानदानी शख्सियत है ना, तो वो है हुमा का जेठ. क्या रख रखाव है, क्या वकार है उसका. सही सादिया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा वो. आप ही देखिए मैं कैसी लग रही हूँ. अरे मेरी बेटी परी है परी, वाकई बहुत प्यारी लग रही हो. है ना सादिया? बहुत अच्छी लगती है. अच्छा सादिया, मैं देखती हूँ. चलो सीमी जी. वालेकुम सलाम. भाई घर तो बदलो, क्या टूटी फूटी सड़कें, गाड़ी नहीं आ सकती यहाँ पे. सलाम अलैकुम. आइए 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 जी जी. बड़ी गंदी जगह है भाई. उफ तौबा, बड़ा ही मसला होता है. अम्मा आ जाओ, अम्मा इधर बैठो, आ जाओ. उफ अल्लाह, बहुत गर्मी है. वैसे आप लोग एक किस्तों पे एसी लेकर ही लगवा लें.
वो जी हाँ, इस साल बिल्कुल इरादा है कि हम एसी लगवा लेंगे। खाना तो जरा भी अच्छा नहीं था और मीठा तो था ही नहीं। सादिया बेटा जरा जाओ जल्दी से चाय का पानी रखो और सीमी को भी साथ ले जाओ। साली साहिबा, सुना है आप कहीं बड़ी अफसर होती हैं, जरा तारुफ तो कराएं आपका। जी तारुफ तो होता रहेगा, मैं पहले जरा चाय ले आऊं। दो चार बिस्कुट लेती आना चाहिए। जी बिल्कुल, मैं देखती हूँ कहाँ रखे, मैं लाती हूँ। वैसे शक्ल से लगता नहीं है कि पढ़ी लिखी है, भोली सी हैं। फोन अच्छा है आपका राशिद भाई। भाई वो महंगा वाला मोबाइल जरा मुझे दिखाइएगा। ध्यान से भाई, महंगा है मोबाइल, दीजिएगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पहली दफा देखा है क्या? भाई वो वाला गेम लगा कर देना। मेरा घर इतना बड़ा और खूबसूरत है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं सीमी। और पता है घर में इतने सारे मुलाजिम हैं लेकिन मेरी सास वो किचन का सारा काम करना खुद पसंद करती है। और पता है अभी मुझे राशिद ने बोला है कि यहाँ से हम जाएंगे लॉन्ग ड्राइव पे और फिर लेट घर जाएंगे आराम से। सच्ची जिंदगी इतनी हसीन और खूबसूरत है, मुझे तो सब कुछ ख्वाब सा लगता है। और तुम लोग भी अब बस ये गली मोहल्लों से निकलो, कोई अच्छी सी जगह देखकर रेंट पे घर ले लो, आप ही से कह दो। और सच कहूं सीमी, तो आज जब मैं यहाँ आ रही थी तो बड़ी शर्मिंदगी सी महसूस हो रही थी। अम्मा तुम तो बहुत ही खुशकिस्मत हो। आप सुनाए अकील साहब, क्या मसूल क्या थे आजकल आपकी? जी मैं जॉब कर रहा हूँ प्राइवेट कंपनी। इस महंगाई के दौर में जॉब वॉब बड़ी मुश्किल हो जाती होगी भाई। अल्लाह फजल करे आमीन। वाकई मुश्किल तो होती है, अल्लाह फजल करे बस। अम्मा वो अरे चल, मेरे सोने का वक्त नहीं हुआ है। अच्छा जब देखो अम्मा तुम्हारे सोने का टाइम। अम्मा तू मुझे एक ही दफा क्यों नहीं सुला देती कमबख्त। अम्मा कंट्रोल की बच्ची। नानी हंसी करे। नानी ये देखे 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 कहाँ भाई, अब आ भी जाओ, मुझे तो देख देख कर घुटन हो रही है। हुमा मैं जरा से काम कर लूँ फिर मैं आती, ठीक है? अरे हुमा, राशिद ने मुंह दिखाई में क्या दिया? उन्होंने मुझे 5,000 रुपये दिए थे और कह रहे थे कि अपनी मर्जी से जो चाहे ले लेना। 5,000? सिर्फ 5,000? तो फोन का जो कुछ भी है वो सब मेरा ही तो है ना। अच्छा पुप्पो मैं अंदर जाके बैठती हूँ। कौन था ये? कासिम, वही ना जो हुमा की शादी पर आया था और एक दफा यहाँ घर भी आ चुका है। जी जी अम्मी, ठीक पहचाना आपने। बहुत फ्री हो रहा है, अगर कुछ और सोच रहा है ना तो उसे साफ साफ बता दो कि मेरी अम्मी 4-5 साल मेरी शादी नहीं करेंगी। लगता है आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ मेरे सर में कुछ दर्द हो रहा है। देख लें जनाब, आपके कहे बगैर ही हम समझ गए। कल हुमा के ससुराल वाले खाने पर इनवाइटेड थे। अच्छा, हुमा खुश तो है? हाँ फिलहाल तो खुशी है, मगर मुझे हुमा के ससुराल वाले कुछ ठीक लोग नहीं लगे, खासकर मेरा बहनोई राशिद। अजीब शोबाज कसम का आदमी है, पता नहीं हुमा वहाँ खुश रह भी पाएगी कि नहीं। मुझे तो बस यही फिक्र खाई जा रही है, अजीब वहम सा हो गया है मुझे। अल्लाह करे मेरा ये शक वहम ही हो।
यार एक तो तुम्हारी बहन खुश है और तुम आइंदा के बारे में फिक्रमंद होकर खुद को गोले जा रही हो। खुद को बदलो यार, अच्छा सोचा करो। मैंने सुना है जो हम सोचते हैं वही हिस्से में पाते हैं। पता नहीं मुझे वहम सा हो गया है, जो इसके ससुराल वाले कुछ अजीब अजीब नौ दौलतिये से लोग लगे। पता है कल खाने में हर डिश में उन्होंने इतनी मीन मेख निकाली और फिर खाने के साथ इंसाफ भी किया। पता नहीं वहां हुमा कितने अरसे खुश रह पाती है। यार देखो सादिया एक बात बोलूं, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है और अब फिर कह रहा हूँ कि जो टाइम तुम मेरे साथ गुजारती हो ना वो खुशी खुशी अच्छे से गुजारा करो, अच्छे मूड के साथ। फ्रेश चेहरा तुम्हारा अच्छा लगता है यार। ठीक है, मैं आइंदा ऐसी कोई बात तुमसे शेयर नहीं करूंगी। नहीं नहीं कहो, जरूर शेयर करो, लेकिन कोई अच्छी बात शेयर करो ना यार। मिस्टर कासिम, आपको मैडम बुला रही है। अच्छा ठीक है, चलो आता हूँ। आता हूँ। सिमी, तुम यहाँ क्यों बैठी हुई हो अकेली? आप फिक्र ना करें, एक ही ठोकर से सबक मिल गया है मुझे, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं दोहराऊंगी। या अल्लाह रहम करना मेरी बच्ची पर, इसे भी कोई हुमा की तरह अगर अच्छा रिश्ता मिल जाए तो मेरा बोझ हल्का हो जाए। सादिया, तुम्हारा फोन आ रहा था, इतनी देर से बज रहा था। हेलो। हाँ कासिम, सब खैरियत तो है? हाँ सादिया, हाँ मुझे तुम्हें एक बात बतानी है, इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हें। अच्छा कौन सी? ऐसे थोड़ी बताऊंगा, मिलोगी तो बताऊंगा। तो फिर फोन क्यों किया? यही कहने के लिए कि मुझे तुम्हें एक खुशखबरी सुनानी है। कासिम, मेरी जिंदगी में कोई खबर खुशखबरी की नहीं हो सकती। अरे यार बोर तो मत करो सादिया, मुझे वाकई तुम्हें एक बहुत जबरदस्त खुशखबरी सुनानी है, बस तुम बहुत अच्छे से तैयार होकर आ जाना करो। अच्छा ओके, दाफिंस। चलो ठीक है, मैं फोन रखता हूँ। कौन था ये? कासिम, वही ना जो हुमा की शादी पर आया था और एक दफा यहाँ घर भी आ चुका है। जी जी अम्मी, ठीक पहचाना आपने। बहुत फ्री हो रहा है, अगर कुछ और सोच रहा है ना तो उसे साफ साफ बता दो कि मेरी अम्मी 4-5 साल मेरी शादी नहीं करेंगी। साफ साफ बता देना उसको, किसी गलत फहमी में रहे वो। मेरी अम्मी 4-5 साल मेरी शादी नहीं करेंगी, नहीं करेंगी। साफ साफ बता दो, साफ बता दो। ऐसी कौन सी बात है जिसे तुम कहने के लिए मुझे यहाँ लेकर आए? बताता हूँ ना, चलो आराम से बैठते हैं। क्या बात करनी थी तुमने? सादिया, अगर तुम्हें एतराज ना हो तो मैं अपने घर वालों को तुम्हारे घर भेजूं। क्यों? क्यों क्या मतलब? भाई शादी की बात करने के लिए। तो क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? हाँ और क्या, क्यों तुम्हें कोई एतराज है क्या? नहीं, मगर मेरे घर वाले कभी राजी नहीं होंगे। तुम उन्हें कन्विंस नहीं कर सकते? वो मौका ही नहीं देंगे।
कैसी बातें कर रही हो यार? सादिया तुम पढ़ी लिखी लड़की हो, तुम अपने लिए भी आवाज नहीं उठा सकती? भाई इस तरह तो हर कोई तुम्हारा हक मारता रहेगा और तुम्हारी जरा बराबर भी अहमियत नहीं रहेगी। देखो तुम खुद को बदलो और अपने इर्द गिर्द के लोगों से मुकाबला करना सीखो। मैं किससे मुकाबला करूं? किसके खिलाफ आवाज उठाऊं? तुम समझने की कोशिश तो करो, मेरे सामने तो मेरे अपने घर वाले हैं। वो घर वाले जो तुम्हारे साथ गैरों वाला सलूक कर रहे हैं? ऐसी बात नहीं है कासिम, तुम जानते हो कि मैं अपने घर की वाहिद कफील हूँ। मेरी अम्मी को खतरा है कि अगर मैंने शादी कर ली तो घर का खर्चा कौन चलाएगा। अरे यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम अपनी अम्मी को कहो कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा और तुम शादी के बाद आराम से अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकती हो जैसे पहले करती रही हो, और इससे मुझे कोई एतराज नहीं है। देखो सदिया मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अपने लिए आवाज तो उठाओ। ठीक है, ये हुई ना बात, और पता है मुझे यकीन है तुम अपनी अम्मी को मना लोगी। सुनो, तुम्हारे घर वालों को कोई एतराज नहीं है कि तुम अपनी मर्जी से अपनी पसंद की लड़की से शादी कर रहे हो? मैं उन्हें मना लूंगा। मैंने कहा था ना अम्मी खफा हो गई है और तुम्हारा दिल ही नहीं चाह रहा था घर वापस आने को। हाँ लेकिन आपने ऐसा कब कहा राशि? नहीं आ रही थी तो चोटी पकड़ के ले आते। रणमुरी जुमा जुमा 8 दिन हुए नहीं शादी को और मर्द की बजाय गधा बन गया। एक जजीरा गुम सा गया, एक जजीरा गुम सा गया। कैसी लग रही हूं मैं? कहां की तैयारी है? मेरा इस वक्त कहीं जाने का मूड नहीं हो रहा। लेकिन मेरा तो मूड हो रहा है ना, चलो अम्मी की तरफ चलते हैं। और वैसे भी सीमी भी कई बार फोन कर चुकी है। बुरा मत मानना हूं मां, वहां जाके मुझे अजीब सी घुटन का एहसास होता है। हाँ तो आप वहां मत रुकिएगा, बस मुझे ड्रॉप करके आ जाएगा। तुम ऐसा करो बिलाल को कॉल करो, वो तुम्हें आके ले लेगा। ख्वामखा बिलाल को? भाई मैं तो गाड़ी में जाऊंगी। गाड़ी पर? हुआ मैंने तुम्हें बताया था कि गाड़ी बड़ी भाईजान के इस्तेमाल में रहती है। तो क्या मतलब है राशिद? भाईजान क्या उठते बैठते खाते पीते सोते जाते गाड़ी में ही रहते हैं क्या? तोपा है, कितना डरते हैं आप अपने भाईजान से। बस फिक्र ना करें, भाईजान इस वक्त अपने कमरे में दरवाजा बंद करके आराम फरमा रहे, हम आराम से गाड़ी ले जा सकते हैं। नहीं नहीं हुमा, वो दरअसल गाड़ी उन्हीं की मिल्कियत है। क्या तमाशा है ये? मेरी समझ से तो सब कुछ बाहर है। घर भाईजान की मिल्कियत है, गाड़ी भाईजान की मिल्कियत है, नौकर चक्कर भाईजान की मिल्कियत है। तो फिर आप लोग कौन हो राशि? आप लोग यहाँ पे क्यों रह रहे हो? जब एक बाप की औलाद हो तो फिर आपकी जायदाद कहाँ है? ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है हुमा, समझी? आंखें नीचे करो अपनी। ऐसे कह रही हो कि जिंदगी भर गाड़ी में फिरी हो तुम। जो मैंने पूछा है उसका जवाब नहीं। जवाब चाहिए तुम्हें? अम्मी नानी किधर है आप? अभी बता। हाँ तुम सिद्दीकी से कह देना कि वो मेरे साथ ही जाएगा। ओके। कैसी हो सादिया? मैं ठीक। अम्मा जानी तुम्हें बहुत याद करती हैं। लगता है बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई तुम्हारी अम्मा जानी से। वो पिछले दिनों कुछ मसरूफियां ज्यादा थी, मैं आज ही वक्त निकाल के चली जाऊंगी उनसे मिलने। एक बात बताऊं तुम्हें, मेरी अम्मा जानी को बहुत कम लोग अच्छे लगते हैं और तुम उन्हें बहुत अच्छी लगती हो। हर वक्त तुम्हारी बातें करती रहती है। वैसे
सच बात तो है, तुम वाकई बहुत लविंग और केयरिंग लड़की हो। नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है। वो दरअसल आपकी अम्मी खुद बहुत अच्छी हैं। इनफैक्ट आप और आपकी अम्मी दोनों ही बहुत अच्छे हैं। आपसे तो मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हूँ। अच्छा, लेकिन मेरे ख्याल में तो ऐसी कोई बात नहीं है। एनीवे, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए बुलाया था कि 15 दिन के बाद हम लोग दुबई जा रहे हैं एक मीटिंग में, और तुम मेरे साथ जाओगी। मैं? हाँ तुम। साथ ही तुम बहुत टैलेंटेड लड़की हो, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे टैलेंट को जाया किया जाए, इसलिए तुम मेरे साथ जाओगी। तुम्हारे घर की तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? देन ओके, तुम अपनी तैयारी शुरू कर दो। थैंक यू मैडम। यू वेलकम। क्या बात है बेटा, इधर आओ। हाँ बोलो। वो गाड़ी की चाबी चाहिए थी। ये लो, मुझे कुछ थोड़े से पैसे दो। अभी अभी फोन आया है, हुमा और राशिद आ रहे हैं। पैसे तो आपके ही पास है अम्मी। हाँ वो तो ठीक है, मगर फिलहाल मुझे 1000-2000 रुपए दे दो। और देखो फजूल की बहस करके मेरा मूड मत खराब करना तुम। क्या वो खाना खाएंगे? हाँ तो और क्या, इस वक्त आ रहे हैं तो खाना तो खाएंगे ना। जो ही आएंगे पहले चाय रख देंगे और बाद में खाना। और हाँ, हुमा बता रही थी कि हमने जो जोड़े दिए थे ना उन लोगों को, बिल्कुल पसंद नहीं आए वो। उन्हें इतने अच्छे और महंगे जोड़े थे वो। अरे 100 नखरे होते हैं इनके, लेकिन क्या करें, ब्याही बेटी की लाज तो रखनी है ना। तुम ऐसे करना, अगली तनख्वाह में से कुछ पैसे निकाल लेना और अच्छे अच्छे तहाइफ लेकर देना। बेटी की नाक ससुराल में ऊंची रहनी चाहिए। अच्छा ये खाना छोड़ो, उठ जाओ, पैसे निकाल के दो मुझे और फिर किचन में आके मेरी मदद कर दो। राशिद, आप भी अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेते? ये तुमको गधा गाड़ी नजर आ रही है? ओहो, मेरा मतलब ये है कि ये तो भाई जान की गाड़ी है ना। हमारी अपनी नई गाड़ी। एक ही बात है, तुम हम भाइयों में फर्क ना पैदा करो। वैसे ये आपके भाई खुद को समझते क्या? सीधे मुंह बात ही नहीं करते किसी से। और तुम्हें भी ज्यादा मुंह लगाने की जरूरत नहीं है। तो मैंने ऐसा कब किया है? खैर छोड़ो, कौन से किसे लेकर बैठे हो, एंजॉय करो एंजॉय। हाँ ये ठीक रहेगा, एक काम करते हैं, घर चलते हैं, सीमी को और सादिया भी को पिक करते हैं और आइसक्रीम खाने चलते हैं। हाँ ऐसे हम सादिया की जेब ढीली करवाएंगे। क्यों, कैसा आइडिया लगा? एक आइसक्रीम तो खिलाई देंगे। जेब ढीली होगी आज सादिया की, आइसक्रीम। देखा अम्मा कैसे इसने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। जरा दीदा दिलेरी देख लो इस लड़की की। उस आदम बेजार बादशाह से चाबी भी ले ली और निकल गई मियां के साथ सैल सपट्टे को। कहने को तो शरीफ खानदान की लड़कियां हैं, हमने भी अपने जमाने में ऐसा कुछ नहीं किया। लो भला बताओ। अरे अम्मा
अपनी छोड़ो, तुम उस लंगूर को तो देखो कैसे बीवी का गुलाम बन गया। अरे मैं मार्केट तक ही तो गई थी, कोई दूसरे जहान थोड़ी चली गई थी जो इंतजार नहीं कर सका और बगैर पूछे उस छम्मक छल्लो को लेके निकल पड़ा। अरे मैं तो कहती हूँ कंट्रोल कर लो, दोनों को कंट्रोल करो, हाथों से निकले जा रहे हैं। भला बताओ इतनी रात हो गई अब तक नामो निशान नहीं है हीरो हीरोइन का। ए आ गए शायद। खैर से ले आए तश्री, अभी तो सिर्फ आधी रात हुई है, इतनी जल्दी क्यों आ गए? सलाम अम्मी, सॉरी देर हो गई। मैंने कहा था ना अम्मी खफा हो गई हैं और तुम्हारा दिल ही नहीं चाह रहा था घर वापस आने को। हाँ लेकिन आपने ऐसा कब कहा राशि? नहीं आ रही थी तो चोटी पकड़ के ले आते। रणमुरी, जुमा जुमा 8 दिन हुए नहीं शादी को और मर्द की बजाय गधा बन गया। अरे कमबख्त, कुछ माँ का ख्याल कर लेता है। अरे चक्कर पे चक्कर लगा रही है 2 घंटे से, दुख के मारे ब्लड प्रेशर बढ़ गया है इसका, ना लायक नहीं तो। किस बात का दुख? मैं पूछती हूँ आखिर हमने ऐसा किया क्या है? खामोश रहो तुम, तुमसे बात नहीं करे हम, अपने बच्चे से बात कर रहे हैं, तुम जाओ अपने कमरे में। तो मैं भी तो यही पूछ रही हूँ कि हम दोनों ने ऐसा क्या कर दिया जो आप हम पर चिल्ला रही हैं? देखा देखा इसकी जुबान, देखी तुमने? ये जो इतने जोरों शोर से मीटिंग जा रही है, पड़ोस तक को मालूम होगा कि हमारे यहाँ हो क्या रहा है। जाइए कमरे में जाके अपनी मीटिंग कीजिए। भाईजान ये चाबी। जाओ अंदर तुम, जाओ मैं प्लीज जाओ ना। उसी दिन बता देना था कि अब मैंने किसी की नहीं सुननी, अब मेरा मसला मेरा अपना है, आपकी मुश्किलात आपकी अपनी हैं, मुझे उनसे कोई वास्ता ताल्लुक नहीं है, मैं चली हूँ अपना ब्याह रचाने। सीमी, क्या हुआ बेटा? क्या हो गया? बस 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 बेटा, बस बस। पूरा हाथ देख लिए क्या? सादिया, सादिया। सीमी, सीमी, सीमी क्या हुआ? क्या हुआ सीमी? क्यों को पूरा हाथ देख लिया? क्या हो गया? तुम्हारे पास बैठी हुई, कुछ नहीं हुआ। चल मैं तो बहुत ज्यादा डर गई थी कासिम। कल रात को सीमी सोते में से जाग गई, मैं और अम्मी रात गए तक जाते रहे मगर उसकी हालत संभलने में ही नहीं आ रही थी। अरे हाँ वो महीने का आगाज है तो अगर तुम कहो तो शॉपिंग पर चलें, लेकिन सिर्फ अपने लिए शॉपिंग करेंगे। नहीं कासिम, आज मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा। मुझे लगता है मुझे सीमी को कुछ मजीद वक्त देना चाहिए। एक तो अबू का इंतकाल, ऊपर से उमा का ब्याह कर घर से चले जाना, फिर सीमी के साथ वो हादसा, मेरे ख्याल में वो बहुत अपसेट है। ठीक है वो भी ठीक हो जाएगी यार। अरे हाँ बात तो सुनो, ये मैडम तुम पर बड़ी मेहरबान है,
तो कोई फायदा वायदा उठाओ ना यार। चलो ठीक है, अगर तुम कुछ नहीं कर सकती तो कम से कम मुझसे मशवरा तो ले सकती है। हम इस टॉपिक पे कभी और बात नहीं कर सकते, मैं वैसे ही सीमी की वजह से बहुत परेशान हूँ। ठीक है, आप ही कितनी बदल गई हो तुम, तुम्हें मेरी याद भी नहीं आती, मैं यहाँ पर कितने उदास हो रही हूँ। तुम एक काम करो ना सीमी, तुम इधर ही आ जाओ। मैं तो भाई जब भी वहाँ आती हूँ मुझे तो अजीब सा घुटन का सा एहसास होता है, और जब भी वहाँ आती हूँ सारा वक्त अपने घर की तरफ ही ध्यान मिलता है मेरा। तुम इतना बदल जाओगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ठीक है, बताओ, मैं भी नहीं आऊंगी। वो कासिम ने अपने घर वालों से बात की है, वो कह रहा था कि कुछ रोज में उसके घर वाले आपसे मिलने आएंगे। तो उसी दिन बता देना था। क्या मैंने किसी की नहीं सुनी? अब मेरा मसला मेरा अपना है, आपकी मुश्किलात आपकी अपनी हैं, मुझे उनसे कोई वास्ता ताल्लुक नहीं है। मैं चली हूँ अपना ब्याह रचाने। मैं तुझे बता रहा हूँ बहुत अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी है, लायक है, और सबसे बड़ी बात उसके पास तरक्की के बड़े चांसेस हैं। अरे कमी नहीं है तेरे लिए लड़कियों की, समझा? अरे वो बेवकूफ औरत, उसकी बात तो सुन ले, वो कह रहा है कि उस लड़की के तरक्की के बहुत चांस हैं। अब तो उसने लड़के को भी कह दिया, आ रहे हैं उनके घर वाले। क्या उसके घर वाले आ रहे हैं? और आपने इजाजत भी दे दी? अम्मी से इजाजत ली कहाँ गई है, अम्मी को तो सिर्फ बताया गया है। अपने दोस्त के साथ बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, बस आप देखना कितना बड़ा शोरूम खोलूंगा मैं। ये तो खैर बहुत बड़ी खुशखबरी है। अरे बहुत तेरे बिजनेस किए सारे के सारे ठुस, अब एक और नया फुस शुरू। अम्मी मैं चाह रहा था कि ये मकान आप मेरे नाम कर दें। आखिर बेटा हूं मैं आपका, अब माओ के लिए बेटों से बढ़कर कुछ होता है क्या? अम्मी मेरे कहने का मतलब था कि इस तरह ये मकान महफूज भी हो जाएगा और लोग नजर उठाकर भी नहीं देख सकेंगे इस घर को। हमें तुम्हारी लड़की पसंद नहीं आई, साफ बात कहती हूँ। एक तो मोटी है, ऊपर से कुछ उम्र भी ज्यादा है। हाँ हम सच्चे खरे लोग हैं, दिल की बात दिल में नहीं रखते।